Good morning, students. Already we are learn about the pronouns in the last sessions. Today we are continue our next exercise. Circle the correct pronouns to complete the sentence. The first is I and we, am, Leela. I and we, the both are pronouns. But हमें ये जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउंस के ऊपर सर्कल करना है. तो एम है तो उसके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? आई. सेकंड इज शी एंड आई इज मिसेस शाह. यहाँ पे इज है और मिसेस शाह है तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? शी. थर्ड इज दे एंड शी इज माय आंट. दे इज अ प्लुरल प्रोनाउन, राइट? तो वी यूज शी. शी इज माय आंट. Fourth, they and she are dancers. Are dancers. Dancer is a plural. So we use they. They are dancer. Fifth is we or it are children. Children are persons. So we can't use it. We can use. हम क्या use करेंगे? We use we are children. You or they are doctor. So you are a doctor. We can't use they because this is a singular noun. Okay? Only one person ki baat ki hai, doctor. A doctor means only one doctor. So we use you. I or it is a dinosaur. Is a dinosaur. So I nahi aayega. क्या आएगा? इट. इट इज ए डायनासोर. आई और वी आर फ्रेंड्स. तो आई आई के साथ ऑलवेज एम आएगा, वो मैंने आपको सिखाया था लास्ट सेशन में. सो वी आर फ्रेंड्स. नाउ एक्सरसाइज डी. रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ प्रोनाउंस सलमा एंड टीना. यहाँ पे दोनों पर्सन है और वो जो दो पर्सन है वो टू है, राइट? सलमा एंड टीना. सो वी आर राइट हियर दे. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दे. सेकंड इज माय अंकल वर्क्स इन अ फैक्ट्री. माय अंकल. अंकल वो बॉय मैंने सिखाया था. बॉय हो, अंकल, फादर, ऐसा कुछ भी हो तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही. कौन सा प्रोनाउन उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज आएगा? ही. माया एंड आई. यहाँ पे आई है तो हम यहाँ पे आई नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पे दो पर्सन की बात की है. माया एंड आई कैन डांस वेल. तो टू पर्सन है तो वी. हरी likes the jacket. Hari is a boy. So H-E-E. Sunflower is big and yellow. Sunflower is a things. So pronouns aega it. Mrs. Neela Sharma is my mother. So Mrs. Neela Sharma. गर्ल के लिए, वुमेन के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? शी. काव्या एंड मानिया आर फ्रेंड्स. आर फ्रेंड्स तो हम यूज़ करेंगे दे. कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दे. दे आर फ्रेंड्स. सीमा लिव्स इन अ विलेज. सीमा इज अ गर्ल. तो विच प्रोनाउन्स वी यूज? शी, राइट? Now next question, circle the correct pronouns. First is Raja is my friend. He or she lives near my house. Raja is a boy, so we use he for. हम he use करेंगे उसके लिए तो he lives near my house. We or I walk to school together. अभी ये दो person है तो we walk to school together. Second is Mrs. Sen lives in a village. Mrs. Sen is a woman, so we use she for.
द शी हैज़ अ फार्म, इट इज बिहाइंड हर हाउस। यहाँ पे फार्म की बात की है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, इट। नेक्स्ट, आवर क्लास इज वेरी हैप्पी, दे और वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, यहाँ पे अवर है सो हम वी यूज करेंगे। ईट और दे इज एट द वॉटर पार्क, तो क्या आएगा, दे इज नहीं आएगा, ईट इज आएगा, ईट इज एट द वॉटर पार्क। द ओल्ड मैन वॉक अराउंड द पार्क, देन वी और दे सीट अंडर अ ट्री। द ओल्ड मैन, तो क्या आएगा, वी सीट, नो, दे सीट अंदर ए ट्री। ईट और वी ईट कूल इन पार्क, इट इज कूल इन पार्क। फोर्थ, मिनी लिव्स इन चेन्नई, ही और शी हैज अ लिटल सिस्टर। मिनी इज अ गर्ल सो शी हैज अ लिटल सिस्टर। वी और शी प्लेज विथ हर हिम, वी और शी क्या आएगा, वी, नो, शी आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लेज है, शी प्लेज विथ हर, गर्ल है सो वी यूज हर। दे और अस प्ले इन द शेड ऑफ बिग ट्री, दे प्ले इन द शेड ऑफ बिग ट्री। सिक्स इज My aunt live in Goa, it or she has a big house, she has a big house, उनके पास बड़ा घर है। She or it in near the sea, वहाँ पे क्या है, sea यानी दरिया, near, it is near the sea। I or us or I love to visit, I love to visit हर और दे आई लव टू विजिट हर। ओके, नाउ थ्री एक्सरसाइज इज योर होमवर्क, एक्सरसाइज नंबर सी डी एंड ई। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक पर राइट डायरेक्टली इन आंसर्स। फॉर एग्जाम्पल, राजा इज माई फ्रेंड, यू हैव राइट द सेंटेंस लाइक दिस, Raja is my friend, dash lives near my house, dash walk to school together, he and we. You have to write like this, exercise number E. Okay, bye bye.